कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, यहाँ पे स्लो नहीं है। ये देखो वायरें, नहीं नहीं स्लिप कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं घूम रहे, स्लिप कर रहे हैं, स्लिप देखो। तेन सुस्ती पै गई, सुस्ती पै गई तेन, ज्यादा पी ली थी, उठा नहीं जा रहा तेरे से। चल जी गला कर दे, चल बाय बाय। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला, चढ़दी कला होनी चाहिए, साफ रास्ता भी है निकल के आने के लिए, लेकिन ऐसे मजा आता है स्नो में से निकल के आके। ठंड नहीं हैगी बाहर, बाहर ठंड नहीं हैगी, कितने शेयर करने चले जी। बाहर आ गए ना इसका माहौल चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसे देखता कि मालूम नहीं मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। ट्रक नंबर तो अपना ही है यार, ये पीछे ट्रेलर कोई पहले ही लगाया लगाया छोड़ गया। डिस्पैच को कॉल करनी पड़ेगी कि ये ट्रेलर भाई किसका है, किसने लेके जाना है। आज तो आते ही बैकिंग का टेस्ट हो गया यार। ये हमारे वर्कशॉप है, यहाँ पे ट्रेलर भी अंदर चला जाता है शेड के पूरे। यहाँ उस ट्रेलर के ना लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए बंदा बाहर से लेके आया, यहाँ लोकल में गया होगा लेके, और लेके आया तो वहाँ पे खड़ा कर गया, तो उन्होंने अभी अंदर उतार लिया उसको। अभी उसको वो बोल्ट लगने वाला उसके लैंडिंग गियर को, जिससे हम घुमाते हैं। जब इंडिया में थे ना तब अकेला ट्रेलर वर्क करने की भी सोच नहीं सकते थे, दुबई में गए ट्रेलर वर्क करना सीखा, कनाडा में आए अभी एक ट्रेलर के पीछे कन्वर्टर डला होता है ना तो उसको भी रिवर्स कर लेते हैं, कभी मन में सोच के देखना। लो भाई आ गया, अपने अपने राशन कार्ड लेके आ जाओ, सोना आ गया, सोना आ गया। स्नो देखा, स्नो कितनी होगी देखो, अभी 5 मिनट में पूरे ट्रक में जम गई है देखो। सेफ्टी स्टिकर देखा आपने, आए ना यार्ड में आगे चक्कर पे चक्कर बढ़ रहे हैं। ये जो सेफ्टी स्टिकर होता है ना, ये वाला ग्रीन वाला, ये अंदर वाला नहीं, ये तो हमारा सर्विस वाला होता है, हम अपनी कंपनी लगाती है, ये जो ग्रीन सा दिख रहा है ये गलती से निकाल दिया किसी ने, अभी नया लगा के लेके जाना पड़ेगा। तो लेने के लिए गए हुए बंदे, अभी स्टिकर नया लेके आएंगे, फिर यार्ड से जाया जाएगा। और स्नो कहती है कि भाई आज मैं ही हूँ, आज मैं ही हूँ, बाकी ऊपर वाला बड़ा करे, क्योंकि हाथ ही निकल चुका है, पूछ बाकी है, तो पूछ अभी बहुत तंग कर रही है यार। बता दूंगी ये जो सेफ्टी स्टिकर होता है ना, इसमें देखा होता है कि ट्रक कौन से महीने तक वैलिड है, उस महीने की लास्ट तारीख तक ट्रक वैलिड होता है, उसके बाद में ट्रक को फिर से सेफ्टी करानी पड़ती है, और सेफ्टी करा के फिर से नया स्टिकर यहाँ पे लग जाएगा। कि ट्रेलर की ट्रक की अलग अलग सेफ्टी होती है, हर ट्रेलर की अपनी सेफ्टी होती है, ट्रक की अपनी सेफ्टी होती है। कैनेडा में ये होता है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों के काम, संडे को भी स्टिकर आ गया, नहीं तो संडे को स्टिकर मिलता नहीं है। वेपर जो है ना वो जम चुके हैं, वो शीशा साफ नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ मैं रहा हूँ 100 के ऊपर देखो, पानी देखो कितना उड़ रहा है, जब तक पानी उड़ रहा है तब तक हम भी उड़ रहे हैं, जब पानी उड़ना बंद हो गया फिर हम भी अपना उड़ने की स्पीड कम कर लेंगे। राइट साइड वाले ट्रैक के ऊपर स्नो आई हुई है, उधर से उड़ उड़ के, तो उधर मैं नहीं जा रहा, इस साइड में अपना पानी उड़ रहा है, -4 टेम्परेचर है, -4। ये वाला वेपर देखो जब ऊपर आएगा, ये देखो ये देखो, इसके ब्लेड के आगे इतनी इतनी स्नो कटी होगी, ये शीशे के ऊपर तो लग ही नहीं रहा, देखो तेरा करता हूँ इलाज, बाहर जाके इलाज करना पड़ेगा तेरा। हम मेल्ट कर सकते हैं इस सारे सिस्टम को, लेकिन ना अभी अंदर अगर मैंने हीट तेज करके सामने वाला ब्लोअर चला दिया तो पूरी गर्मी हो जाएगी अंदर, और मेरा बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये है शेर, बहुत टाइम के बाद में किसी कार वाले ने ओवरटेक किया, वो कार का हाल देखो, इसको मैंने ब्रेक मार के आगे जाने दिया है, आगे वाले पैच फिर जमे हुए आते हैं कभी कभी बीच में से, भाई निकल जा निकल जा निकल जा, ये देखो लेफ्ट साइड में ये सारा जमा हुआ है ना अभी। नहीं नहीं, जो ऐसे वाले हमारे बहुत ज्यादा बहादुर भाई है ना, उनके लिए तो मेडल बनता है भाई, मेडल बनता है इनके लिए, इनके ट्रक स्लिप नहीं होते। ये भाई अपनी अपनी हिम्मत है यार, जैसी आपकी हिम्मत है, जितना आप भगा सकते हो भगाओ यार, क्योंकि जब भी गिरना है ना, जब मैं गिरूंगा तो मैं ही गिरूंगा, मेरा ट्रक गिरेगा, मेरे साथ में मेरे ट्रेलर गिरेंगे, नुकसान मेरा होगा, मेरे शरीर का नुकसान होगा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए, तो ये हर एक का अपना अपना पर्सनल मैटर है। मैंने बहुत बार बोला ना, जैसे केमिस्ट्री है, अपनी अपनी केमिस्ट्री है। आस्ते 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 मैंने एक्सीडेंट से पैर उठाया हुआ है यार, नीचे बहुत ज्यादा स्लिपरी वाला पैड है, तो मेरे को डर लग रहा है यार, मेरे ट्रेलर एम्प्टी है, तो थोड़ा सा भी नीचे से ग्रिप गई तो ये घूम जाएगा। कारबरी से लेके ब्रैंडन, ब्रैंडन से लेके आगे वार्डन तक
वार्डन के बाद में बोल दें कि रोड काफी हालात ठीक है आगे से, ये ग्रंटेड बात लिख के रख लो, इसके ऊपर जोर से ब्रेक नहीं मारनी ऐसे वाले रोड के ऊपर, जो ट्रक के टायर होते हैं ट्रक के टायर वो देखो यहाँ से चल के जाते हैं ना, वो नीचे अपने निशान छोड़ते जाते हैं कि हाँ यहाँ से स्नो उड़ा दी है, उड़ा दी गई है। वो लोडर ट्रक का टायर होता है, बारी होता है ना, नीचे जम के चलता है, उखाड़ता जाता है थोड़ी बहुत ही स्नो को, लेकिन जो खाली टायर होता है उसका कोई असर नहीं होता नीचे भाई। ये अपने आप बिल्कुल सर ही अपने आप साफ हो गई, अभी क्या करते हैं ये देखो। सारी हवा की वजह से जम रही है, ऐसे जमने का कोई चांस तो नहीं बनता। इतना गंदा सा मौसम है ना, जितनी भी स्नो पड़ी है सारी नीचे जम गई ट्रेलर के, अभी पीछे वाली वायरन देखो जाके बिल्कुल नीचे लगने को आई हुई है ये देखो। आज तो कल से भी बुरा हाल है यार। ओ भाई साहब दिख रहे देखो, हर बार जब विंटर जाता है ना तो जाने के टाइम में ऐसे लफड़े क्रिएट करके जाता ही जाता है, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जहाँ पे स्नो नहीं है। ये देखो वायरें अभी तो ठीक है, मेरे को लग रहा है जैसे थोड़ी आगे जाके इसको साफ करना पड़ेगा। वो हैंडल देखो, जैसे हमने वो एक्सल मूव करने होते हैं ना, फ्रेम मूव करना होता है। ओहो ये तो बहुत ज्यादा भारी हो गया काम, ये वायर ना नीचे ही गिर गई है, इसको इसके साथ में टाई करना पड़ेगा अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। लोगे ऐसी हालातों से निपटते हुए ये कब उतरेंगे ये, वो देखो नीचे लगने वाली है, देखा ध्यान आ गया ना, अगर यही सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई नुकसान पक्का है। नुकसान से बचने के लिए सर्विस कॉल आएगी तो आपको मालूम है 4-5 घंटे गए, तो उससे बचने के लिए भाई ये सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं यार सारे ट्रेलर को नहीं मार मार के उतारूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। छोटे होते थे ना बर्फ वाला वो कहाँ बड़ा पड़ा है, अभी आगे मालूम नहीं क्या क्या देखने वाला बाकी है, लेकिन जब रुकते हैं ना तब उतनी स्नो जमती नहीं है। ये वो स्नो है जो नीचे से जब पानी निकलता है ना, तो पानी जब उड़ता है उड़कर नीचे लगता है, यहाँ पे भी लगता है, उसको ठंडी हवा पड़ती है, ठंडी हवा पड़ने की वजह से वो जम जाता है। वो कौन बंदा है मेरे को मिलाओ जो बोलता है कि उत्थे लाया जिथे पैंदी है स्नो वे, हमारा एक वो बहुत मशहूर गाना है मालूम नहीं क्या है, वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे पड़ती है स्नो, भाई प्लेन इलाके में जब रहते हो ना तभी स्नो अच्छी लगती है। अभी हमसे पूछ के देखो, बहुत सारे भाई तो मेरी वीडियो देख देख के मेरे को बोल देते हैं कि भाई तुम अपना शहर ही बदल लो, लेकिन हम भी गाँव वाले डीठ बंदे हैं जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये देखो खड़े खड़े ट्रक को ना मैंने हीट चलाई थी ना, देखो एकदम साफ हो गया काम। यस ब्रो लेट्स गो। नो कैमरा और मोबाइल हाथ में पकड़ के ड्राइविंग नहीं करेंगे भाई साहब, नहीं करेंगे, नहीं तो चांटे बहुत पड़ेंगे। इंडियन हेल्ट 18 किलोमीटर रह गया, ट्रक अपना 100 के ऊपर जा रहा है, -5 टेम्परेचर, और रोड देखो नीचे से, और क्या बात है, दर्शन करो सूरज देवता के। अपने पैर को रेस्ट देने के लिए ये लगा दिया क्रूज, अभी ये भाई साहब क्रूज पे चलेंगे, हथौड़ी लेके आए हो साथ में भाई, कोई चीज भी नहीं बची। ये नंबर प्लेट का हाल देखो, अगर किसी के एक्सल मूव करने हुए वो कैसे करेगा, क्या बात है। एंट्री देखो, एंट्री बाइक की, आहा हा
मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तेरे लिए स्पेशल ट्रक रोके रखा है भाई। पिछले 2-3 दिन हो गए से मजा नहीं आ रहा था, खाना खाने का टाइम कम लग रहा था, जल्दी जल्दी में भागम भाग हो रही थी। तो आज मैंने डिसाइड किया कि यार खाने के पीछे तो भागते हैं, जैसे जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, तो खाना खाओ आराम से, बाकी सारे काम बाद में। और ये देखो आज अपनी ट्रे भी काम आ गई, ट्रे के अंदर सारा सामान होगा, कुछ भी निकलेगा ट्रे में गिरेगा। तो आ जाओ भाई, लग चुका है पूरा स्टॉल, आपको फुल इन्विटेशन है, आ जाओ लेके बाबा जी का नाम, करते हैं शुरू। अदरक का अचार है भाई, अंडे हैं, जिसने अंडे नहीं खाने हैं उसके लिए राइस है, अंदर दही भी पड़ा हुआ है, फ्रूट भी पड़े हुए हैं। बाबा जी बड़ा करना। हाँ, मैं एक कहावत सुनी थी, रोटी कपड़ा और मकान आदमी की 3 जरूरतें होती है। भाई विंटर है, विंटर विंटर में इतना सामान रखना पड़ता है पास। जब भाई आपका टाइम सही चलता है ना, सब कुछ मिल जाता है। यार्ड में गया, अपना भाई मिल गया, चाय उठा के लेके आया और चाय दी, थैंक यू। विनी बैग में क्या करते हैं, अगर आप शायद चाय में शहद डलवाते हो तो वो खुद ही डाल के दे देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाला सिस्टम सही है कि आप खुद अपनी चाय में डालो। वो क्या करते हैं टिम हॉर्टन वाले, कभी कभी उसको ना बाद में अच्छी तरह मिक्स नहीं करते। अगर भाई मैं शहद डालूंगा तो मैं तो फिर ऐसे ही करूंगा, चाय डाल दी इसमें डब्बी में, आहा एक भी बूंद नहीं छोड़ेंगे। जाती जाती स्नो है, अभी एक दो स्नो और पड़ेगी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि रिस्क ना लें, आराम से जहाँ रोड बेड मिला सो जाएंगे, सुबह उठ के निकल जाएंगे। यार 12 साल हो गए, अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे भी ख़त्म नहीं होगा। बातों बातों में वीडियो होगी बहुत लंबी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यार, कई बंदे नए आते चैनल के ऊपर, उनको मालूम नहीं कि हम लोग खाना वाना कहाँ खाते हैं, स्नो ही दिखाई जा रहे हैं, बैड वेदर ही दिखाई जा रहे हैं, लेकिन भाई हम इंजॉय भी करते हैं यार। अभी इसमें लगाएंगे ऊँची आवाज में गाना और यहाँ पे डालेंगे भंगड़ा, चिल 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 चिल। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कभी कभी रोड बैड होता है तो कभी कभी हम इंजॉय भी करते हैं यार। गिनती के 15 मिनट लगे, खाना भी हो गया, सारा कुछ हो गया, तसल्ली से खाया गर्म करके, इस बात की खुशी होती है मेरे को। मुश्किल काम में ये भाई पानी वाली गिलन भी काम आ जाती। ये सारा ना कच्ची जगह है, कच्ची जगह, तो हमको तो मालूम है हम पक्के आते हैं, इसे नीचे उतारी तो नीचे उतर जाएगी। तो हो सकता है किसी को लगे कि ये स्नो पड़ी हुई है, लेकिन ये स्नो नहीं, नीचे पूरी डिच है डिच। रात को टिम मोटर के ऊपर आके सो गए थे, क्योंकि इसके आगे जो बड़ी वाली हिल पड़ती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई थी रात को, और लोगों के ट्रक बहुत मुश्किल से चढ़े थे ऊपर, तो कंपनी का मैसेज आया था कि यहाँ पर भी जगह मिलती है भाई, अपने हिसाब से वहीं सो जाओ, आगे फायदा नहीं है कोई। हम तो बस टिम हॉर्टन देखते हैं कि टिम हॉर्टन के पास में पार्किंग मिल जाए, आगे ना जाना पड़े, बस जहाँ से चाय उठाएंगे तितर बितर हो जाएंगे अभी, और मज़ा आएगा जो चुस्कियाँ लेके वो अलग। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा, हाईवे वाला टिम है या ब्रेंडन वाला टिम है, इसके ऊपर सुबह भाई पैर रखने के लिए जगह नहीं होती अंदर, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। इतने भरे हुए लोग हैं, फिर कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि हमारी प्राइवेसी है। इतनी ज़्यादा सेल है ना, मेरे ख्याल में डेली का मालूम नहीं कितना पैसा यहाँ पे लोग खर्च करते होंगे सिर्फ टिम हॉर्टन के लिए, इतना प्यार है टिम हॉर्टन के लिए लोगों का। लो अभी तो पहले की चाय बीच में पड़ी हुई है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। टिम हॉर्टन से निकलना कौन सा आसान काम है, अभी देखना कैसे पाई की जाती है, किधर से पाई की जाती है और कैसे घुमा के निकलते हैं। देखो अभी आगे से कार आई ना, अभी मेरे को ब्रेक मारनी पड़ेगी, वो आगे वाली कार है ना उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उधर से आने वाली कारों की जगह में लेके जाऊँगा पाई को, और मैं पाई को रुकने भी नहीं देना चाहता। अगर मेरी पाई रुक गई, ये देखो अभी घूमनी शुरू कर दी, तो ये घूमने शुरू हो जाएगी और मालूम नहीं यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। ये ना टर्न थोड़ी सी मुश्किल है, जब हम टिम हॉर्टन के अंदर आ जाते हैं ना बाइक लेके, फिर ये प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ से राइट मार के लेफ्ट मारनी है, लेफ्ट मार के राइट मारनी है यहाँ से। भाई टायर घूमते हैं, भाई टायर घूमते हैं, नहीं नहीं स्लिप कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं घूम रहे, स्लिप कर रहे हैं, स्लिप देखो।
बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इनका। जब हम चलते हैं ना ऐसे ही लाइनें लग जाती हैं पीछे, देखो। ओह बैरियर आ गए, बैरियर भाई, इन बैरियर को क्रॉस करना है जल्दी जल्दी। देखो निकलो 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 यहाँ से, इनका कुछ मालूम नहीं भाई, ये ऑटोमेटिक है, कभी भी कहीं भी बंद कर देते हैं इनको। भाई उठना था 7 बजे, उठाऊ 9 बजे, मालूम नहीं अलार्म लगाना था सुबह का, लगा लिया रात का, अलार्म बजा ही नहीं, इसलिए इतना सूरज निकला हुआ सिर के ऊपर। देखो ऊपर वाला बिल्कुल सही करता है, सामने के हालात देखो, ये तो नीचे पूरी स्लैब बनी हुई है। अगर मैं सुबह 7 बजे उठ के यहाँ पे आ जाता तो ये जो थोड़ी बहुत मेल्ट हुई है ये भी मेल्ट हुई हमको नहीं मिलती। और अभी आगे बड़ी वाली हिल आने वाली है, ब्रेंडन वाली, तो अभी तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई है भाई। अभी ऊपर वाला जानता है, अभी वहाँ पे अगर ऐसा हाल हुआ तो मेरे ख्याल में बाइक तो नहीं चढ़ेगी। मालूम नहीं यार पीछे नमक डाल रहा है, अभी आगे नमक ही नहीं डाला किसी ने। ये जो हिल है ना, अभी देखो हम आ रहे हैं 54 के ऊपर और पीछे हमारे कोई नहीं है और हिल बिल्कुल साफ की हुई है। इतना शुगर है यहाँ पे, रात को ट्रक फंस रहे थे लेकिन नहीं, कम से कम यहाँ पे तो नमक डाल के गए हैं। बाबा जी हम रात को रुक गए थे ना, जो भी ऊपर वाला करता है ना सही करता है यार। मैं आपको बोल रहा था ना मैं लेट हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लेट हो गया, जो ऊपर वाले ने किया बिल्कुल सही किया, ये तो अभी अभी किया लगता है यार सुबह ही। तो फ्लैशर लगाए हुए हैं भाई, कारों वाला फ्रेम है, ड्राइवर अंदर ही बैठा हुआ है, ड्राइवर ठीक ठाक है। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I. We can have the world. See us coming like that.